दिला जो तू यहाँ मुझे दिला हूँ मैं। हमारे चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। जैसे कि आज हम बात करेंगे काइनमास्टर में वीडियो कैसे बनाए, जो स्टार्टर वीडियो, जो जैसे कि आपने इंट्रो में देख लिया कि वीडियो इस तरह से होगा, जैसे कि हम इस तरह से वीडियो आज एडिटिंग करके आपको बताएंगे। जैसे कि वीडियो एडिटिंग करने से पहले आपको दो तीन बातें मैं बताना चाहता हूँ। जैसे कि आपको वीडियो एडिटिंग करने से पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बार पे एक वीडियो का लिंक है, उस वीडियो को लिंक पर क्लिक करके आप काइनमास्टर के बारे में कुछ ज्ञान लेंगे, ताकि जैसे कि आपको काइनमास्टर जो प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं उसमें वाटरमार्क रहता है, और जो मैं वीडियो में बताऊंगा, जैसे कि वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन बार पे एक वीडियो का लिंक है, उसमें लिंक पर क्लिक करके आप वो वीडियो देखकर बेसिक ज्ञान लेकर उस काइनमास्टर को अगर डाउनलोड करेंगे तो आपको सारी चीज़ें फ्री में मिल जाएगी, जाके आप वॉच कर सकते हैं। चलिए आज हम सीखेंगे कि स्टार्टर वीडियो कैसे बनाएं, जो आपको इंट्रो में दिखाया देखा, इसी तरह से आपको व्हाट्सएप स्टार्टर कैसे बनाएं, तो फुल प्रोसेस हम इस वीडियो में जानेंगे। चलो इस टॉपिक पर स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑल ऑप्शन दबा दीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप सबसे पहले देख पाए। चलो इस टॉपिक पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको काइनमास्टर को ओपन करना है। जैसे आप काइनमास्टर को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपको देखिए प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका मोबाइल की रेशियो पर क्लिक करना है। जैसे आप मोबाइल के रेशियो पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको ऐसे एंटर पर आएगा। उसके बाद जो भी आप स्टार्टर बनाना चाहते हैं उनको आप फोटो को सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे फोटो सिलेक्ट कर रहा, अभी इसी तरह आपको फोटो को सिलेक्ट करना है। उसके बाद और एक फोटो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ दूसरे फाइल में, जैसे कि मैंने ये फोटो सिलेक्ट कर दिया, उसको डन पर क्लिक करेंगे। देखिए फोटो आ गया है, ठीक है। फोटो आने के बाद आपको जितना सेकंड का आप वीडियो बनाना चाहते हैं उतना सेकंड के लिए आप फोटो यहाँ पे लगा सकते हैं, नहीं तो आप कोई भी फोटो को यहाँ पे देखिए लॉन्ग भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए स्टार्टिंग पेज पे आएंगे। जैसे आप स्टार्टिंग पेज पे आएंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए कोई भी फोटो को क्लिक करना है। क्लिक करने में सबसे ऊपर देखिए एक जूम पैनल है, बीच में क्लिक करेंगे, उसके बाद सबसे ऊपर स्टार्टिंग पेज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोनों फिंगर से इस फोटो को जूम करेंगे, ठीक है। जूम करने के बाद आपको एंड पेज पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको देखिए आपको फिर से आपको जूम करना है, जहाँ तक आपको जूम करना है उसके आपको अच्छी तरह से जूम कीजिए जो आपको फोटो है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ओके पर डन पर क्लिक करना है। जैसे आप डन पर क्लिक करेंगे, दूसरे फोटो पर क्लिक करेंगे, जूम पैनल पर क्लिक करेंगे, स्टार्टिंग पेज पर ऑटोमेटिक रहेगा, सिर्फ आपको जूम करना है, ठीक है। जूम करने के बाद आपको सबसे नीचे एंड पेज पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको जूम करना है, देखिए एंड पेज पर जितना जूम होना चाहिए आप देख लीजिए अपने हिसाब से। उसके बाद सबसे ऊपर डन पर क्लिक करेंगे, फिर से आपको देखिए दूसरे फोटो पर सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह आपको पूरे फोटो को सिलेक्ट करना है। जूम करना है जितना आप करना चाहते हैं, उसके एंड पर क्लिक करेंगे, इसी तरह आपको जूम करना है। उसके बाद आपको सबसे ऊपर देखिए डन पर क्लिक करना है। जैसे डन पर क्लिक करेंगे, देखिए आपका इस तरह से आपको जूम होने लग गया। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए जैसे कि आपको अभी ये जो प्लस के आइकन है, प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको देखिए ऐसा एंटर पर आएगा, इसको डन करना है। यहाँ पे देखिए आपको प्लस का आइकन है, प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे आपको ऐसा इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे की तरफ। उसके बाद देखिए यहाँ पे गेट मोड पे क्लिक करेंगे। जैसे आप गेट मोड पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको एक इफेक्ट डाउनलोड करना है, जो इफेक्ट हम आपको बताएंगे। यहाँ पे देखिए ये जो आपको इफेक्ट, ये देखिए साइलेंट फ्लैश पर ये जो इफेक्ट है, आपको ये साइलेंट फ्लैश इफेक्ट आपको डाउनलोड करना है गेट मोड पर क्लिक करके, ठीक है। इसे गेट मोड पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको ये जो साइलेंट फ्लैश वाला ऑप्शन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको देखिए प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर देखिए साइलेंट फ्लैश पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे छह ऑप्शन दिया गया है, आपको छह ऑप्शन को एक एक करके आपको पूरे फोटो में लगाना है। जैसे कि देखिए मैं प्लस आइकन पर ऑटोमेटिक क्लिक है, उसके बाद ये वाला इफेक्ट यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। उसके बाद फिर से दूसरा वाला प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे, साइलेंट फ्लैश पर जाएंगे, उसके बाद दूसरे फोटो में यहाँ इफेक्ट पर क्लिक करेंगे। इसी तरह आपको फिर आपको साइलेंट फ्लैश पर जाएंगे, दूसरे फोटो भी सिलेक्ट करेंगे, उसी इसी तरह आपको सिलेक्ट करना जो भी आपको इच्छा लगे। उसका डन पर क्लिक करेंगे, फिर से आपको दूसरे प्लस पर क्लिक करेंगे, उसका साइलेंट फ्लैश पर क्लिक करेंगे, उसके बाद देखिए दूसरे इफेक्ट पर आप सिलेक्ट करेंगे इसी तरह। उसका डन पर क्लिक करेंगे, देखिए पूरे वीडियो पर आपका इफेक्ट लग चुका है। यहाँ पे देखिए इस तरह से आपका इफेक्ट लग चुका है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए उसके बाद आपको इस वीडियो को एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे SD रहना चाहिए, उसके बाद यहाँ पे 24 सिनेमा रहना चाहिए। उसके बाद एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करने के बाद आपको ऑटोमेटिक एक्सपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको होम पेज पे आना है, उसके बाद आपको प्लस आइकन पे क्लिक करना है, मोबाइल के रेशियो पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको ऐसा एंटर पर आएगा, जो वीडियो आपने अभी एक्सपोर्ट किया था उसी वीडियो को आपको यहाँ पे इंक्लूड करना है। जैसे कि हमने जो वीडियो अभी एक्सपोर्ट किया था उसी वीडियो को यहाँ पे आपको ओपन करना है। जैसे कि देखिए ये वीडियो हमने अभी फिलहाल आपके सामने एक्सपोर्ट किया था, तो इस वीडियो को यहाँ पे ओपन करना है। उसके बाद आपको लेयर पे क्लिक करेंगे, लेयर पे क्लिक करने में यहाँ पे देखिए आपको
इफेक्ट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ बेसिक पर क्लिक करेंगे, उसके बाद सबसे पहला वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको देखिए ये जो ब्लर का ऑप्शन है, इस ब्लर को पूरा वीडियो में आपको लगाना है, ठीक है। सबसे डन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको फिर से आपको ब्लर में क्लिक करेंगे, इस ब्लर को पूरे वीडियो में लगाना है। उसके बाद डन पर क्लिक करके देखिए पूरा ब्लर इस पूरा वीडियो में आपको लग चुका है। लगने के बाद आपको क्या करना है, देखिए उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए वीडियो पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको सबसे ऊपर थ्री लाइन है, थ्री लाइन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पे डुप्लीकेट लेयर पर क्लिक करेंगे। जैसे आप डुप्लीकेट लेयर पे क्लिक करेंगे, एक यहाँ पे देखिए डुप्लीकेट एक लेयर क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपको सबसे ऊपर डन पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको फिर से आपको लेयर पर क्लिक करना है। जैसे आप लेयर पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको ड्रॉप का ऑप्शन जो पेंसिल का आएगा, पेंसिल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको रबड़ पर रहना चाहिए, उसके बाद देखिए यहाँ पे व्हाइट रहना चाहिए, उसके बाद यहाँ पे एक रबड़ का आइकन रहना चाहिए, उसके बाद ये जो ऑप्शन को आपको ये वाला ऑप्शन यहाँ पे रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप देखिए वीडियो को इस रेशियो में लाने हैं, उसके बाद आपको सबसे ऊपर यहाँ पे देखिए वीडियो पे क्लिक करना है, उसके बाद देखिए वीडियो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए ऊपर वीडियो पे इस तरह से आपको खींचना है लाइन। जैसे आप लाइन खींचेंगे अपने हिसाब से, फोटो को जितना उतना लाइन खींचिए, उसके बाद सबसे ऊपर डन पर क्लिक करेंगे। डन पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करेंगे, ये जो आपका लेयर है लेयर पे क्लिक करेंगे, जैसे आप लेयर पे क्लिक करेंगे उसको वीडियो को थोड़ा रोट आउट करेंगे, इस तरह आपको वीडियो को रोट आउट करेंगे, इस तरह वीडियो को रोट आउट करने के बाद आपको देखिए अच्छी तरह रोट आउट कर लीजिए वीडियो को। उसके बाद आपको सबसे ऊपर डन पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको जो आपने एक फिंगरप्रिंट द्वारा जो पेंसिल का अगर लिया था उसको क्लिक करना है, क्लिक करने में इसको भी आपको फोटो के साइज़ में रोट आउट करना है। जैसे देखिए फोटो को साइज़ में आपको रोट आउट करना है, यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको रोट आउट करना है ताकि बाहर का जो भी नहीं दिखे, ठीक है। इसी तरह आपको रोट आउट करना है, अगर रोट आउट अच्छी नहीं है तो यहाँ पे देखिए इस पेंसिल आइकन पे क्लिक करना है, सबसे नीचे देखिए इसको अच्छी तरह यहाँ पे मैनेजमेंट करना है, इस तरह से देखिए यहाँ पे कोई भी रेशियो नहीं है। अभी क्या करना है, अभी देखिए पेंसिल आइकन सबसे नीचे जो आपने ड्रॉप किया उसको, जो ड्रॉप किया व्हाइट वाले को क्लिक करना है, उसको इसको पूरा वीडियो में अप्लाई कर देना है, पूरा वीडियो में अप्लाई करने में सबसे ऊपर डन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप डन पर क्लिक करेंगे उसके बाद देखिए ये सा इंटरफेस आएगा, ठीक है। अच्छी तरह इसको लगाइए, उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए फिर से आपको ये पेंसिल का आइकन पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको बेल्डिंग ऑप्शन पर जाना है, बेल्डिंग ऑप्शन पर जाएंगे, उसके बाद ओवरले पर क्लिक करना है। जैसे ओवरले पर क्लिक करेंगे उसका सबसे ऊपर देखिए ओके पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करते ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे अच्छे से नहीं आए तो आपको इसको अच्छी तरह से मैनेज कर लेना है, उसको डन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, उसके बाद आपको देखिए जैसे कि मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बार पे एक ग्रीन स्क्रीन का वीडियो लिंक दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि वीडियो को डाउनलोड करने के बाद लेयर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर वीडियो पर क्लिक करेंगे, उसके बाद जो भी वीडियो आपने डाउनलोड किया उसको यहाँ पर इंक्लूड करना है। जैसे कि यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन वीडियो मैंने एक डाउनलोड करके रखा है, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड करके आपको इंक्लूड करना है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर इंक्लूड कर रहा हूँ, इसी तरह आपको इंक्लूड करना है। इंक्लूड करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे ऊपर देखिए ओके पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको इसको अच्छी तरह से यहाँ पर मैनेजमेंट करना है जो आपको ग्रीन स्क्रीन को, ठीक है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा क्रोमा की का ऑप्शन। जैसे कि आपको सबसे पहले ऑप्शन ग्रीन स्क्रीन वीडियो को क्लिक करना है, जैसे आपने ग्रीन स्क्रीन वीडियो को क्लिक किया उसके स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे क्रोमा की का ऑप्शन मिलेगा, उसके बाद इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद आपको देखिए ये ऑप्शन अच्छी तरह मैनेजमेंट हो गया, जो आपको ग्रीन स्क्रीन पूरा हट चुका है। इसी तरह यहाँ पे देखिए प्ले करके देख भी सकता है, जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा है, तो आपको क्या करना है, ये जो छोटा इधर बड़ा छोटा करने का ऑप्शन है तो इसको अच्छी तरह मैनेजमेंट कर लीजिए। जो जैसे कि पूरी तरह से टेक्स्ट ओनली दिखे, जो ग्रीन स्क्रीन जो स्क्रीन था उसको नहीं दिखे, तो आपको कम ज़्यादा कर लेना है, जितना करना 22 मैंने किया उसके 50 मैंने कर दिया, तो ये पूरी अच्छी तरह से सेटअप हो गया। आपको अच्छी तरह सेटअप करना है, उसके बाद सबसे ऊपर देखिए एक डन का आइकन जो राइट का सीन है उसको पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, जैसे आप लगाना चाहते हैं इस टेक्स्ट को, टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, उसका जो भी टेक्स्ट है उसी को आपको क्लिक करना है, ठीक है। इसी तरह उसको डन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद देखिए आपको मैं यहाँ पे प्ले करके दिखाऊंगा। जैसे कि आपका वीडियो पूरा बन के तैयार हो गया, उसके बाद आपको सबसे ऊपर एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपका वीडियो आपको गैलरी